इसमें प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होने के कारण अध्यापक अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सकता है, यानी वार्षिक पाठ योजना में शिक्षक जब वार्षिक पाठ योजना बनाता है तो उस समय जब इकाईवार व्यवस्था करता है तो उसमें एक इकाई के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होती है, जिससे कि शिक्षक को अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकता है कि मैंने जो शिक्षण कार्य करवाया है वह कहाँ तक प्रभावित हुआ है। उसके बाद है सुधारात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। सुधारात्मक मूल्यांकन सुधारात्मक मूल्यांकन वार्षिक पाठ योजना में सुधारात्मक मूल्यांकन का भी उद्देश्य रहता है और इसका उल्लेख रहता है कि मूल्यांकन में इकाई खत्म करने के बाद जो मूल्यांकन किया है उस मूल्यांकन में यदि कोई त्रुटियां रह गई है, कोई कमियां रह गई है तो शिक्षक को सुधारात्मक मूल्यांकन करने की व्यवस्था होती है। फिर है शिक्षक के अध्यापन कार्य में नियमितता। अध्यापन कार्य में नियमितता यानी शिक्षक जो अध्यापन कार्य करवाता है उस अध्यापन कार्य में नियमितता बनी रहती है, यानी वार्षिक पाठ योजना जब वह तैयार करता है, जब वह बनाता है तो एक क्रम वाइज वार्षिक पाठ योजना तैयार करता है, इसलिए उसी के आधार पर उसका जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य में नियमितता बनी रहती है। फिर है सत्र पर्यंत किए जाने वाले शिक्षण कार्य की सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित व्यवस्था। सत्र पर्यंत कार्य साल भर के अंदर जो शिक्षक को शिक्षण कार्य करना है या जो कार्य करवाना है उसकी सुव्यवस्थित और सुनियोजित व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत। फिर है लचीलापन। लचीलापन यानी वार्षिक पाठ योजना जो लचीली बनाई जाती है जिससे कि समय व आवश्यकता के अनुसार संशोधन और उसको परिमार्जित किया जा सकता है, यानी समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उसके बाद है वार्षिक पाठ योजना में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ अशैक्षिक गतिविधियां भी शामिल की जाती है। शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी वार्षिक पाठ योजना में शिक्षक द्वारा शैक्षिक और सह शैक्षिक भौतिक गतिविधियों का उल्लेख रहता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ इससे संबंधित जो शैक्षिक और भौतिक गतिविधियां होती है जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह होती है उन प्रतियोगिताओं का उल्लेख भी इसके अंतर्गत रहता है। कि फिर है वार्षिक पाठ योजना के आधार पर निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक यानी इसके माध्यम से निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण का कार्य किया जा सकता है विद्यार्थियों के लिए। फिर है वार्षिक पाठ योजना से शिक्षक को साल भर के अंतर्गत या सत्र भर में जो अवकाश आते हैं, जो उत्सव आते हैं, जो पर्व आते हैं, जो जयंती आती है उन सब उत्सव पर्व जयंतियों की जानकारी इसके आधार पर होती है, कौन सा उत्सव कब आ रहा है, कौन सी जयंती कब आ रही है, कब मनानी है। फिर वार्षिक पाठ योजना के आधार पर ही शिक्षक जो है 6 मासिक योजना जो सहजता से तैयार कर सकता है। इस प्रकार से वार्षिक पाठ योजना शिक्षक के लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होती है। अब आज का आपका गृह कार्य।
वार्षिक पाठ योजना का अर्थ बताते हुए इसके लाभ लिखिए। लाभ लिखिए। अब कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस इसमें आज का हमारा प्रकरण है वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना होती क्या है? वार्षिक पाठ योजना यानी पता चल रहा है कि सत्र भर यानी वर्ष भर का जो संपूर्ण शिक्षण कार्य होता है वही संपूर्ण शिक्षण कार्यों को हम वार्षिक पाठ योजना के नाम से जानते हैं। यानी वार्षिक पाठ योजना संपूर्ण सत्र के शिक्षण कार्य को किस प्रकार किया जाएगा, कितने कालांश होंगे, कितनी इकाई होगी, कितनी इकाइयों में कितने कितने कालांश होंगे और कितने टाइम पीरियड के अंदर कितने समय में हमारा जो शैक्षणिक कार्य है वह शैक्षणिक कार्य पूरा किया जाएगा, इन सब का वार्षिक पाठ योजना में निर्धारण किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पक्षों का निर्धारण ही वार्षिक पाठ योजना कहलाती है। यानी वर्ष भर का संपूर्ण शिक्षण कार्य किस प्रकार से हमको कौन सी यूनिट को कितने कालांश देने हैं और कितने दिनों में हमारी यूनिट पूरी होगी, यानी उसको हम वार्षिक पाठ योजना के नाम से जानते हैं या वार्षिक पाठ योजना कहलाती है। कुल मिलाकर साल भर के कार्य का, हमारा जो साल भर का शिक्षण कार्य है उस सत्र भर या साल भर के शिक्षण कार्य को अलग अलग भागों में बांटना वार्षिक पाठ योजना कहलाती है। क्योंकि हम इस वार्षिक पाठ योजना में हमारा जो शिक्षण कार्य है सत्र भर का, उस सत्र भर के शिक्षण कार्य को अलग अलग भागों में बांट कर इकट्ठा करके फिर वार्षिक पाठ योजना तैयार करते हैं। अब वार्षिक पाठ योजना के लाभ, जब वार्षिक पाठ योजना बनाते हैं तो उसके क्या लाभ है? अब वार्षिक पाठ योजना से अध्यापक को यह पता रहता है कि उसके विषय हेतु कितने कालांश उपलब्ध है, कालांश का पता रहता है, कितने कालांश उपलब्ध है। वार्षिक पाठ योजना के माध्यम से ही शिक्षक को यह पता रहता है कि उसको उसके विषय के लिए कितने कालांश, कितने पीरियड मिले हैं। फिर शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख इकाईवार किया जाता है। शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं वह इकाईवार उद्देश्य निर्धारण यानी जिससे शिक्षक को यह पता रहता है कि किस इकाई को कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, यानी इकाई के अनुसार उद्देश्यों को निर्धारित करना और उन्हीं उद्देश्यों से शिक्षक को यह पता रहता है कि मैंने जो फर्स्ट इकाई ली है, सेकंड इकाई ली है, थर्ड इकाई ली है, इसके अनुसार कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए थे। फिर है मूल्यांकन की व्यवस्था। मूल्यांकन की व्यवस्था